पूरा मणिपुर चल रहा था, पूरा मणिपुर चल रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में भी जीते, वहां पूरी ताकत लगा दी। आप वहां पे थे, चुनाव में थे, महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमा जा रहा था। आप इसराइल में आप क्यों नहीं बोल रहे? मणिपुर में आपने एक संवेदना नहीं व्यक्त की। आप स्मृति ईरानी कहां है? कुलदीप सेंगर पे बोल रही है, महिलाओं पे जो बात करती थी, महिलाओं पे जो बात करती थी, सिलेंडर लेकर जो बैठ जाती, जो सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, आज वो कहां है? आज स्मृति ईरानी मणिपुर में क्यों नहीं बोली? जब महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया उस समय क्यों नहीं बोली? आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के देश की तमाम जो पार्टियां वो अपनी तैयारी में लग गई है कि कैसे भी करके हमको लोकसभा चुनाव जीतना है और हम अपने उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बना सके। लेकिन उसके पहले देश के जो 5 राज्य हैं उन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उसमें भी तमाम जो पार्टियां हैं अपना अपना उम्मीदवार उतार करके चाह रही है कि हम इस चुनाव को जीत लें। लेकिन आपको बता दें कि जो उस विधानसभा चुनाव को जीतेगा उसके लिए लोकसभा का जो सफर है वो आसान हो जाएगा, उसके लिए लोकसभा का जो सीट है वो तय माना जा रहा है। अभी हम पटना में और हमारे साथ एक सरदार जी हैं, बाकी सारी जानकारियां लेंगे कि क्या प्रधानमंत्री के कार्यों से, बीजेपी के कार्यों से देश के लोग संतुष्ट है कि नहीं, और फिर से क्या 2024 में मोदी जी को मौका दिया जाएगा कि नहीं। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? आपका स्वागत है सर। सबसे मैं अपना परिचय दूं, हीरा सिंह बग्गा, बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष हैं जी। एक बात बताइए, अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या देखा जा रहा है कि फिर से बीजेपी वहां पे आ सकती है? जो 5 राज्यों को चुनाव उसके बताएं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जी। ये 5 राज्यों में चुनाव है। जो आपने कहा कि क्या बीजेपी दोबारा आ सकती है, मैं आपके माध्यम से पूरी देश की जनता को बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी ने जो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हाँ। ये पूरी देश की अर्थव्यवस्था को खा गए। ये जितने पेट्रोल पंप बने हुए हैं इनके लूटने के अड्डे बने हुए हैं। आज देखिए पेट्रोल डॉलर कितना कम है, आज डॉलर रेट पेट्रोल कितना कम है, तभी मैं पेट्रोल का दाम नहीं किया, कम किया। 7.5 लाख करोड़ रुपया इन लोगों की जेब से पैसा निकाल के अपने जेब भरी है, तो कैसे वो आएंगे दोबारा? मध्य प्रदेश में इनका कुनबा साफ हो गया है, 10 साल से ऊपर मामा जी सरकार है वहां पे, उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए, खोखले वादे किए। राजस्थान में बहुत अच्छी सरकार चल रही है, आप अशोक गहलोत की जो कहा वो करके दिखाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, 5 राज्य में कांग्रेस पूर्व बहुमत से आएगी। तो क्या कांग्रेस के आने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? पूरी होगी, वही कांग्रेस है जो यूपीए के राज्य में कितनी देश की अर्थव्यवस्था खराब थी। जितना भी संकट था हमारे यूपीए के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी देश को अर्थव्यवस्था खराब होने नहीं दिया। ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया, कहा कुछ किया कुछ, 2 करोड़ रोजगार नौकरी देने का वादा किया था, आज तक किसी को नौकरी इन्होंने नहीं दिया। आज तक इन्होंने सिर्फ छल का काम किया, सिर्फ हिंदुओं को वोट, हिंदू और मुस्लिम के नाम से इन्होंने वोट के नाम से इन्होंने राजनीति की और उसके बदौलत ये सत्ता पे आए। कांग्रेस की सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके हाथ की कठपुतली थे जो कुछ काम नहीं कर पाए, तो अपने देश की प्रधानमंत्री को कठपुतली बनाकर रखना ये कहां तक सही है? एकदम बिल्कुल गलत है। हमारे पर जो मनमोहन सिंह थे वो बहुत विद्वान थे, वो कुछ नहीं, वो सुझाव व काम करते, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बदनाम करने की साजिश की थी, ऐसा कुछ उन्होंने अपने शासनकाल में, उन्होंने 400 रुपए सिलेंडर था, महंगाई चरण कम थी। आज इनके शासनकाल में देखिए 1200 रुपए सिलेंडर है, 1200 रुपए सिलेंडर। गृहिणियों घर चलाना मुश्किल हो गया, गरीबों को घर चलाना मुश्किल हो गया। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसको रोजगार दिया? इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, कैसे अच्छे दिन आए? आपने क्या कहा था और क्या करके दिखाया आपने देश की जनता को? चाहिए तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी ना, क्यों झेलनी पड़ेगी? आप बताइए, 400 पहले सिलेंडर के लिए लाइन में लगता था, गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ता। आज आपको कभी सिलेंडर का मुंह देखे गए एजेंसी पे गए? कभी नहीं। अभी आपको घर के सामने सिलेंडर मिलता है, ठीक है। आप कहने का मतलब है कि सब ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, उस समय आप लोगों को जाना पड़ता था, मगर 800 रुपया उनके पॉकेट से निकालना ये कहां का इंसाफ है? 7.5 करोड़ जीएसटी के नाम से गब्बर सिंह टैक्स आपने लिया, ये जीएसटी नहीं लिया आपने, गब्बर सिंह टैक्स लेके लोगों का पॉकेट से पैसा निकाल के अपनी जेबें भरी। तो बाकी जो देश के बाहर, जो विदेशों में देश का नाम हो रहा है वो प्रधानमंत्री के बदौलत ही तो हो रहा है ना? क्या नाम हो रहा है? पूरा मणिपुर चल रहा था, पूरा मणिपुर चल रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में भी जीते,
वहां पूरी ताकत लगा दी, आप वहां पे थे, चुनाव में थे, महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमा जाता था, आप इसराइल में आप क्यों नहीं बोल रहे, मणिपुर में आपने एक संवेदना नहीं व्यक्त की, पूरा मणिपुर चल रहा था। हमारे जब डॉक्टर हमारे जो नेता राहुल गांधी जो संसद में बोले उनकी सरकार गई, क्यों? उन्हें यही पूछा था कि आपसे अंडानी से क्या संबंध है, अंबानी से क्या संबंध है, आप बताए वीजा को आप कहां गया, तो उससे उन्होंने सस्ता रद्द करा दी। उन्हें सिर्फ ये जो मनमोहन ये सरकार जो बनी हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार, ये सिर्फ झूठ के बहुत सरकार बनी है, ये सिर्फ लूटने की सरकार है और इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया और ठगने का यही करती। हिंदू खत्म, कहां हिंदू खतरे में, 70 साल हिंदू खत्म है, अब हिंदू खतरे में है, 70 साल हिंदू खत्म नहीं रहा, खत्म हिंदू है। आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, आपने सिर्फ लोगों को गुमराह किया, आपने सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लिया और कुछ नहीं किया। 9 साल इन्हें सिर्फ लोगों का खून चूसा और ठगी की। अगर बीजेपी इतनी ही आपके नजर में खराब है तो फिर देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार क्यों बन जाए? कहां देखिए, आप देखिए ना, ऑलमोस्ट लगभग हर जगह है ऐसा है, दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकार है ऐसा है कि अभी आप देख लीजिए, आपने यहाँ पे हम लोग आपको हिमाचल में सरकार हम लोग की आई, पंजाब में इनका सुफड़ा साफ हो गया, बिहार इनसे हाथ से चला गया, झारखंड इनके हाथ से चला गया, अब 5 राज्यों में चुनाव है, अब 5 राज्यों का चुनाव देख लीजिएगा, इनके हाथ में सिर्फ कटोरा आएगा और देश की जनता जान चुकी है कि इस बार इसको वोट देंगे हम लोग ठगी करेंगे। इन्होंने कहा था मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख का जुमला कहा, लोगों को ने कहा कि 15 लाख कर खाते में आएंगे, किसके खाते में 15 लाख आया? जी ने कहा था कि अगर काला धन वापस आ जाए तो इतना पैसा हो जाए कि तमाम लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख भेजे जा सकते हैं। क्यों नहीं काला के लिए नहीं भेजे, क्यों नहीं काला धन, आप काला धन को वापस भेज दिए विदेशों में, आपने बैंकों का क्या हाल कर दिया, आपने अदानी को भेजा, आपने अंबानी को भेजा, आपने मेहुल चौकसी को, आपने विजय माल्या को भेज दिया, सब भगवानों को आपने भेज दिया देश से बाहर, आपने किया क्या? आपकी सिर्फ कॉर्पोरेट की सरकार है, ये सरकार कॉर्पोरेट के हवाले चल रही है, आप देखिए ना अभी क्या हाल है, महंगाई कितनी चरम सीमा पे, लोगों का घर चलना मुश्किल है, आप खुद देखिए युवाओं का क्या हाल है, जो ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 7.5 लाख रुपया आपने लोगों को पैसा निकाला, ये जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप जो खुले हुए हैं इनके लूटने के अड्डे हैं, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये खाए नहीं मगर देश की पूरी अर्थव्यवस्था को खा गई है, देश की अर्थव्यवस्था को खा गए, फिर भी दुनिया के 20 सबसे बड़े देश जो भारत में आकर के G20 के सम्मेलन में शामिल, आज के पहले कभी भारत में ऐसा हुआ था? मोदी जी के ही राज में तो हुआ, मुमकिन है ना? ऐसा है, ऐसा नहीं है, यूपीए के शासन काल में आपको जाके चंद्रयान सब हुआ था, सब चीज हुआ था, सब हुआ था, ऐसा इनको अब तो ये अपना जो मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है इनकी फोटो लगी रहती है, ये अपना प्रचार ज्यादा कर रहे हैं काम कम करते हैं। मैं तो कहा कि आपने जो कहा था करके दिखाई ना, 2 करोड़ को नौकरी दीजिए, 15 लाख खाते में भेजिए, कहा किया आप देखिए महंगाई चरण से, उन्हें कुछ नहीं किया, सिर्फ खोखले वादे किए और झूठे वादे किए और कुछ नहीं किया। आप देख लीजिएगा 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव से आपको पता चल जाएगा कि मोदी जी कहां पे अभी खड़े हैं। देश की तमाम जो बात कर रहे हैं रोजगार का, तो ये इतने बड़े देश की आबादी में क्या घर घर में सबको नौकरी देना पॉसिबल है? देखिए ऐसा है पॉसिबल नहीं है, मगर जो कहा था आज देखिए यहां पे सरकार है महागठबंधन की, सरकार जो चल रही है बिहार में, तेजस्वी यादव ने कहा था बल्कि 13 महीना में 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिल गया है, अभी 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 विद्यार्थी का टीचर का निकला है ना, निकला है ना सबको नौकरी मिली ना, जो कहा करके दिखा रहे, इसलिए इन्हें गठबंधन जो बना है जो बोला है वो करके दिखाएगी। और सबसे पहला हमें प्राथमिकता है कि देश में ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो अंधों की सरकार है, जो धृतराष्ट्र का काम कर रही है, इनको उखाड़ फेंकना और जो लोगों को इनका पैसा निकाल ये पॉकेट से इनको बचाना और लोगों को ठगी से बचाना, ये जो बार बार जनसभाएं में जाते हैं कहते हैं हिंदुओं को, ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, कहां हिंदू खतरे में है? यहां जहां खड़े हैं यहां गंगा जमुना तहजीब है, यहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजाघर भी है, कहां यहां सौहार्द खत्म हो? वो माहौल को खराब करते हैं, उनके पास कोई नहीं मुद्दा, सिर्फ हिंदुओं को भटकाने का काम करते हैं। क्या राम जी मेरे दिल में नहीं है? क्या हम लोग देवी माँ का पूजा नहीं करते? क्या हम लोग मंदिर नहीं जाते? सब जगह जाते हैं, मगर आप साबित क्या करना चाहते हैं? करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों के मन में ऐसा मानसिकता पैदा कर रहे हैं कि लोग डाइवर्ट हो जाए और हमको वोट दे।
नहीं तो बीजेपी अकेले अपने दम पे केंद्र का चुनाव लड़ रही है, तो विपक्षी पार्टियां अगर इतना ही पावर है तो अकेले चुनाव के नहीं जीत सकते। ऐसा ना कि अभी जाति जनगणना हुई, बिहार में जाति जनगणना हुई, हमारे नेता राहुल गांधी ने क्या कहा, यही एक सरकार थी, इन्होंने वीपीसी की सरकार गिरा दी थी जो ओबीसी पे बात हुई थी। जब ओबीसी जाति जनगणना पे बात हुई थी इन्होंने सरकार गिरा दी, क्यों गिराई, अब क्यों नहीं, अब प्रधानमंत्री क्यों नहीं कराते पूरे देश की जाति जनगणना, करवाए ना, पता चलेगा किस जाति को कितना वोट है, तो उससे चुनाव पे असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, पता चलेगा किस जाति कितनी, उनसे पता चलेगा कि यादव का कितना अपना, मुस्लिम का कितना है, सिखों का कितना है, इनसे पता चलेगा कौन सी जाति अभी पीछे है। तो बिहार में सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन बिहार में मुस्लिम सांसद कितने और मुस्लिम मुख्यमंत्री, मुस्लिम जो है कि मंत्री कितने, उसका कुछ आंकड़ा ही नहीं है सामने। है क्यों नहीं है, एक ही दो मंत्री है जो मुस्लिम है, ऐसा आबादी सबसे ज्यादा है, ऐसा जो 17% मुस्लिम आबादी कही गई वो सबको जोड़ के कही गई है, जिसमें पठान है सारे जात को छोड़ के, इसी तरह यादव को कहा गया, इसी को ओबीसी को कहा गया, अभी ओबीसी कहाँ पे, अभी कास्ट कहाँ पे, अभी सिख की जाति कहाँ पे, इससे पता चलेगा कौन सी जाति को कितनी उनकी अपनी उनके हिसाब से उनकी भागीदारी मिलेगी। क्यों नहीं कराते हम प्रधानमंत्री जाति जनगणना कराए पूरे देश में, अब ये महिलाओं पे जो बोल रहे हैं महिला आरक्षण पे, यही महिला आरक्षण इन्होंने कुछ बोला था, ये कांग्रेस की देन है, कुछ कारणवश महिला आरक्षण नहीं हो पाया था, आज ये 10 साल नहीं हुआ, आज ये कहते महिला आरक्षण की बात करें, किसानों को बोला, किसानों कहते थे आतंकवादी पाकिस्तानी खालिस्तानी, वही सिख है जो सबसे पहले देश में आपदा आती है वही खड़ा होती है, कोरोना काल से लेके कहीं भी सिख ऐसी कौम है जो सबसे पहला खड़ा होती है। क्यों कहा 700 किसान शहीद हो गए, 700 किसान, उन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं की, उन्होंने कहा यह खालिस्तानी है पाकिस्तानी है आतंकवादी है, आखिर क्यों कहा उन्हें सिखों खालिस्तानी पाकिस्तानी, क्यों, ये तो उनका अपना ओपिनियन होगा, नहीं उनको सिर्फ हम दो प्यारे हैं, उनके सिर्फ दो मित्र हैं अंबानी अडानी, ये सरकार जो चल रही है, के पहले क्या अंबानी के पास इतनी संपत्ति नहीं थी, आप देखिए ना, आप देखिए अमित शाह का बेटा 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, आज देखिए बीसीसीआई का क्या बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि बीसीसीआई का क्या बना, अमित शाह का बेटा कहां से कहां संपत्ति चलेगी, और जिसकी संपत्ति थी वो जीरो आ गया, महंगाई कहां पे, देखिए है रोजगार युवाओं के पास, है रोजगार जो खड़े किससे पूछिए, है व्यापार है किसी के पास, आप व्यापारी वर्ग से पूछिए व्यापारी वर्ग क्या हाल है, आप महिलाओं से पूछिए कि घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है, कहां पेट्रोल का दाम, जब पेट्रोल 70 साल में 70 रुपया पहुंचा और 7 साल में कहां ले गए, अभी डॉलर कहां है 50 रुपया, पेट्रोल का दाम क्यों नहीं कम रहा है, इसलिए कहे पूरे पेट्रोल पंप जितने भी देश के पेट्रोल पंप है इन लोग के लूटने के अड्डे बने हुए, इन लोग के खजाने पूरे अपने भरपूर करते हैं, अपने पॉकेट में सारा इनका पैसा आता है, यही सरकार है जो लूटने काम कर रही है, गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है, और यही सरकार है जो पूरे देश में सौहार्द खराब कर रही है हिंदू मुस्लिम करके, हम लोग सब एक है इसलिए सबको कहते हैं, इसी तरह 2024 में इनके कहने पे नहीं आएंगे, देश की तमाम 140 को लोगों को आपके माध्यम से कि इस बार मोदी के कहने पे आप लोग नहीं आएंगे, ये सिर्फ फिर आपको आएंगे, झूठे वादा करेंगे, जुमले करेंगे, 15 लाख कहेंगे, किसानों के बारे कहेंगे, हर युवाओं को कहेंगे, ठगी करने काम करेंगे, और धर्म के नाम से आप पे वोट लेंगे, फिर आप ठगी जाएगा, इस बार आप लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोग वोट का अधिकार दिया, अपने वोट के अधिकार से इस गुंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। आजकल किसके घर में पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, सबको ही पढ़ा लिखा है, सबको पता है कि हमको किसको वोट देना चाहिए, कौन समझदार है कौन पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप कैसे किसी को अनपढ़ कैसे गुंगी बहरी लोगों को कह सकते हैं, देखिए मैं गुंगी बहरी सरकार कह रहा हूँ, बिल्कुल तो समझदार है तभी तो उसको चुन, देखिए आप किसी धर्म के बारे कहिएगा, आप किसी जाइएगा, अब मैं कहता हूँ आप यूपी में क्या आपने किया, लोगों के घर में बुलडोजर चलवा दिए, आप सुनिए अब स्मृति ईरानी कहाँ है, कुलदीप सेंगर पे बोल रही है, महिलाओं पे जो बात करती थी, महिलाओं पे जो बात करती थी, सिलेंडर लेकर जो बैठ जाती, जो सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी स्मृति ईरानी हेमा मालिनी, आज वो कहाँ है, आज उनको महिलाएं नजर नहीं आ रही है, जो उत्तर प्रदेश में जितने कांड हुए महिलाओं पे किसी राज्य में नहीं हुए, आप आंकड़ा मिला लिए, सरकार छुपा रही है, सरकार सारे आंकड़े छुपा रही है, जितने वहां कांड हुए किसी राज्य में नहीं हुए, आज भी स्मृति ईरानी कहा, आज स्मृति ईरानी मणिपुर में क्यों नहीं बोली, जब महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया उस समय क्यों नहीं बोली, उस समय आपको कर्नाटक चुनाव लग रहा था, आपको वहां पर सत्ता चाहिए थी, इसलिए ये सरकार, ये एनडीए की सरकार सत्ता की लोभी सरकार है, ये सत्ता की लोभी में किसी को मार सकती है,
किसी का खून चूस सकती है, किसी का कत्ल कर सकती है। तो इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? इतना आप लोग प्रचार प्रसार कर, कौन है चेहरा जो मोदी को हरा सकता है? देखिए, अभी सबसे पहले हम लोग इंडिया गठबंधन का काम है, ये जो सरकार बनी हुई है एनडीए की सरकार, जो झूठ के बदौलत सरकार बनी, जो मतलब आपको क्या कहते हैं हिंदुओं के, मतलब कह के सौहार्द कह के, जिसको क्या धर्म के नाम से वो सरकार बनी, इसको उखाड़ फेंकने का काम करना है। जिनको इस बार हम लोग उखाड़ फेंकने का 2024 में, इस बार हम लोग उखाड़ फेंक काम करेंगे, देश की तमाम 140 करोड़ जनता को इनसे इनसे मुक्त करवाएंगे। इन्होंने जो हिटलर ने जो शासन किया था, ये हिटलर शासन कर रहे हैं, हिटलर शासन राज्य चला रहे, देश चला रहे, ये चलने नहीं देंगे हम लोग। इसीलिए देश की तमाम जनता इस बार नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अच्छा, एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे नेता जिनको अपने में ही जो है कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो कैसे अपने सरकार को चलाएंगे? दे ऐसा कुछ नहीं है, जहां अभी अखिलेश यादव को देख रहे हैं जो नाराज हो गए हैं। नहीं, वो उनका अखिलेश यादव ने कहा, आप शाम में जब सुबह उनके उनके नेता ने कहा, शाम में उनका बयान दिया, देखिए ट्वीट पे उन्होंने कहा कि मैं उनके जो मेरे नेता ने कहा उसके लिए गलत है, बयान चेंज हुआ, देखिए ना। अखिलेश यादव ने कहा, उसकी जानकारी नहीं थी, उसका बयान देखिए। और हम लोग इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे चल रहा है, ये एनडीए वालों को पेट में मरोड़ पड़ गया है, अच्छा। दर्द हो गया है इनको, रातों की नींद उड़ गई है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब इनके पास कोई है नहीं, सारे हथकंडे खत्म हो गए, अब इनके पास कुछ है नहीं। अब वो पहले कहते थे धर्म के नाम से, आज देखिए किसके नाम से, सनातनी के नाम से वोट मांग रहे, आज सनातनी के नाम से वोट मांग रहे, पहले धर्म को कहते हिंदू खतरे में, अब सनातनी। ये शिव सरकार सिर्फ लूटने की बनी हुई, ये लोगों का खून चूसने की सरकार बनी थी, लोगों का खून पसीने का पैसा, किसी तरह 7 लाख करोड़ का पैसा निकाला, अच्छे दिन तो नहीं आए पूरे सरकार ने, अच्छे जो दिन थे अर्थव्यवस्था थी पूरी खराब कर दी, लोगों को लूट लिया। 5 राज्यों का चुनाव लोकसभा का जो है कि सफर तय करेगा वो पूरे राज्य, 5 राज्यों में आपको आपके माध्यम से, आज आपकी तारीख है 24 तारीख है और आपको सबके सामने बोल रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं, ये 5 राज्यों में चुनाव में इंडिया गठबंधन विजय होगी। बहुत अच्छी बात है, और सबका अपना अपना ओपिनियन है, सभी लोग जो है कि खुल करके अपनी अपनी पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं। और सर भी बहुत अच्छी बात कहे कि बीजेपी के दौर में महंगाई तो है, हालांकि हम इस पर कुछ तंज नहीं करेंगे, सबका अपना अपना ओपिनियन है, हमारा काम है खबर दिखाना। बाकी आप लोग जो है कि सर की बातों के बारे में कितना समर्थन कहते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।